नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। महाशक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। सभी लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। देवी मंदिरों से लेकर घरों तक में पूजा स्थल की साफ सफाई शुरू हो गई है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के इस त्यौहार का पहला भाग होता है किसी अच्छे मुहूर्त में घट अर्थात कलश की स्थापना करना। कहते हैं कि अच्छे मुहूर्त में कलश स्थापना की जाए और सच्चे मन से पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माता की आराधना की जाए तो वह अपने भक्तों पर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। मुहूर्त को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ ही मां का पूजन करना उचित रहता है। ऐसा नहीं है कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है तो बिना किसी मुहूर्त के सुबह उठकर घट स्थापना कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घट की स्थापना किस तारीख और समय पर की जानी चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 15 सितम्बर 2023। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त है 11:38 से 12:23 तक का। इसकी कुल अवधि 45 मिनट की है। अश्विन प्रतिपदा को चित्रा और वैधृति का प्रथम चरण व्यतीत ना हुआ हो अर्थात उस दिन चित्रा या वैधृति का संपूर्ण मान तो रुदामल ग्रंथ के अनुसार कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। इस वर्ष वैधृति को और चित्रा दोनों को प्रथम चरण व्यतीत हो जाएगा, इसलिए कलश स्थापना का कार्य मुख्य काल अर्थात सूर्योदय में 10 घटी लगभग 4 घंटे के अंतराल में ही कलश स्थापना होगी। माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मा जी से संसार के में मनुष्य की रक्षा के उपाय के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी का कवच संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। देवी के 9 स्वरूपों के अलग अलग नाम बताए गए हैं, इसलिए इस नवरात्रि को नव दुर्गा भी कहा गया है। 9 देवियों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, उनके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब